बहुत सुंदर पद है श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज का। वेशधारी हरि के उरुसाले, हरि के उरुसाले, वेशधारी हरि के उरुसाले, हरि के केवल दंभ है तो हम भगवान के हृदय को कष्ट पहुंचा रहे हैं। लोभी दंभी कपटी नट से, लोभी दंभी कपटी नट से, सिष्णोदर को लोभी दंभी कपटी आचरण नटके जैसा आचरण है और ये सब करते किस लिए हैं? सिष्णोदर को पाले, केवल वासना की पूर्ति और उदर की पूर्ति, इसी के लिए सारा उद्यम है। क्या क्या नहीं करते दंभी लोग? यदि हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है, केवल दिखावा है, दंभ है, तो हम दूसरे को नहीं ठग रहे हैं, अपने आप को ठग रहे हैं। स्वयं भगवान के प्राप्ति से, परम कल्याण से, परमार्थ से वंचित हो रहे हैं। यहां ये मत समझ लेना किसी की निंदा की जा रही है, दंभ से बचने की प्रेरणा दी जा रही है। गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही तू तावे बन बैठे कथा भागवत गावे, कब कब कहे बता बन बैठे कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, पैसन ही तू धावे, पंडित जी थे ब्रज के, महाराज जी कहते थे अच्छे विद्वान थे, और वो उनमें ये दोष नहीं थे पर विनोदी थे वो। तो महाराज जी से कहते, बाबा
कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गता है, या को अर्थ कहा है। तो महाराज जी ने कहा कि स्वल्प लोभ से भी जो कथा करते हैं, धन के लालच में कथा करते हैं, तो कथा का सार नष्ट हो जाता है। बाबा जी अर्थ ना है। महाराज जी बोले पुर कौन सा अर्थ है? बोले इसका अर्थ है कि थोड़ी दक्षिणा जहां मिले वहां कथा बांचने नहीं जाना। कारिता कण लोभेन, कण लोभ नहीं मन लोभ, ज्यादा मिले वहां जाओ, थोड़े में क्यों जाओ, वृत छोड़ के काहे को जाओ। इसलिए कण लोभ, थोड़े लोभ से थोड़ी दक्षिणा मिले कथा बांचने नहीं जाना। कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गता। कहने का आशय है कि हम लोग श्लोकों का अर्थ भी अपने ढंग से कर लेते हैं। कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गता। पंडित जी कथा कह रहे थे, बड़ी भावुक भावपूर्ण कथा थी, सब रो रहे थे। एक भोली भाली मैया बैठी थी। मैया बोली, पंडित जी आप बहुत अच्छी कथा बांसते हो, सब रोते हैं, आप क्यों नहीं रोते, आप क्यों नहीं रोते? बोले हम रोएंगे तो कथा बंद हो जाएगी। नहीं, कथा बंद नहीं, आप कारण बताओ क्यों नहीं रोते। तो पंडित जी बोले कि मैया सच्ची बात कहें कि झूठी? बोले सच्ची कहो। बोले आखिरी दिन दक्षिणा में कमी रह जाएगी तब हम रोएंगे। कब हुक बकतावे बन बैठे कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, पैसन ही को धावे। हरि मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा, कबहु हरि मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा, भाव भगति को लेश न जाने, भाव भगति को लेश न जाने, पैसन ठाकुर जी की तरफ पीठ कर दी और धनी मानी की तरफ मुंह हो गया। एक जगह ठाकुर जी की सैन हो गई। एक भगत आया विशेष मिठाई फल और दक्षिणा लेकर। बोले हम तो बहुत दूर से आए हैं, सुबेरी हमको निकल जाना, फिर हमें दर्शन नहीं होगा, दर्शन कराओ भाई कैसे भी करके। का देखो भाई अब ऐसा है, सैन तो हो गई है, लोग चले भी गए हैं, जगमोहन का फाटक बंद कर दिया और धीरे से फाटक खोल दिया गर्भगृह का। ले कर लियो दर्शन, है गए दर्शन, कहना नहीं किसी से, भेंट पूजा मेवा मिठाई दक्षिणा सब रख ली। अब वो तो भगत था, खुफिया था, वो भगत था, क्यों पुजारी लोभ लालच में अमर्यादा करता है ये बात लोगों में पता चली थी। वो विशिष्ट भगत था, वो परीक्षा करने आया था। उसने जाते ही ऊपर गया महंत जी के पास। उसने कहा महाराज बात बिल्कुल सही है, पुजारी बदल दीजिए। क्यों? बोले महाराज शयन होने के एक घंटे बाद हम आए और हमारे लिए उसने दर्शन कराए। बात बिल्कुल सच्ची। बुलाओ पुजारी, पुजारी तो भाई
शयन के बाद मंदिर खोला? बिल्कुल नहीं खोला महाराज हमने। कौन कहता है? ये भगत कहता है, ये झूठ बोलता है, नहीं खोला हमने। भगत बोला कैसे नहीं खोला, हमने भेंट बिदाई दिया, फल फूल दिया, तुमने मंदिर खोल के भीतर किया, फिर दर्शन भी किया, बाद में तुमने मंदिर बंद किया। पुजारी बोले महाराज हमने इनके लिए थोड़ी खोला, हमने तो लक्ष्मी जी के लिए मंदिर खोला। अब यही बतावे, ये घर में भीतर सो रहे हो और इनकी सिठानी कोठी के बाहर खड़ी हो तो चौकीदार की क्या हिम्मत जो उनको दरवाजे पर रोक दे? सिठानी को तो भीतर पहुंचाया जाएगा। तो लिफाफा लेकर खड़ा था लक्ष्मी जी लेकर खड़ा था, लक्ष्मी बेचारी बाहर कैसे रहती, भीतर कर दिया लक्ष्मी जी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि दंभी पुरुष अपने अपकर्म का समर्थन करने के लिए तरह तरह की युक्तियां खोज लेते हैं। कब हूं कहरी मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा, भाव भक्ति को लेस न जाने पैसन ही की आशा। दंभी पुरुष नाचे गावे चित्र बनावे करें काव्य चटकीली, नाचे गावे चित्र बनावे करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवे, सांच बिना हरि हाथ सब रहनी है जी। जैसे हरी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले, जैसे हरी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। बिनु विवेक वैराग्य भगति बिनु सत्य न एको मानो, बिनु विवेक वैराग्य भगति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई, भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंड संत किसको कहते हैं? इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत श्री मुख कमलाकंत। अब सच्चे साधु का स्वरूप क्या है, दंभ रहित पुरुष का स्वरूप क्या है? हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पर दाया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।